रांची लव जिहाद मामले में रांची पुलिस आरोपी रिकुबल को लेकर उसके घर गई। छानबीन में पुलिस को कई दस्तावेज मिले। इसके अलावा 3 कंप्यूटर, स्कैनर और जेरोक्स मशीन भी बरामद किया है पुलिस ने। आप देख सकते हैं 15 मोबाइल, क्या क्या मिला है रिकुबल के घर से। 36 सिम कार्ड, हैरान कर देने वाली खबरें हैं। 3 लैपटॉप बरामद हुआ है, 2 कंप्यूटर, साथ ही जेरोक्स मशीन भी, 4 प्रिंटर वहां से मिला है, 30 रजिस्टर मिले हैं, 1 पेन ड्राइव और सीडी, साथ ही 2 एयर शूटिंग राइफल भी बरामद किया है पुलिस ने रिकुबल के घर से। तो आज तीसरा दिन है, आपको बता दें, रिमांड का। 3 दिनों का पुलिस रिमांड मिला था रिकुबल का रांची पुलिस को, जिसमें कि आज आखिरी दिन रिकुबल के घर लेकर गई पुलिस रिकुबल को खुद, और वहां से 36 सिम कार्ड, 2 कंप्यूटर, 4 प्रिंटर, कई कागजात, रजिस्टर, ये सब बरामद हुए हैं। 30 रजिस्टर बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि कोर्ट के कुछ पेपर्स भी हैं, वो भी बरामद हुए हैं। आरोप लगाया था रिकुबल की पत्नी ने, तारा ने, ये कहा था कि कई कोर्ट के जो अहम पेपर्स होते हैं वो रिकुबल के घर में रहते हैं और कोर्ट खुलने से पहले ही वो वापस जमा भी करा दिए जाते हैं। तो अब कई तरह के एंगल्स हैं जिस पर पुलिस को जाँच करना है। रांची के SSP प्रभात कुमार से बात की आज तक संवाददाता धर्मवीर ने, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। पुलिस ने कई चीज जब्त किया है, हमारे साथ है सीनियर SSP प्रभात कुमार। प्रभात जी, क्या बताएं कि एक बार फिर से कि क्या क्या आपने जब्त किया है और क्या आपने एविडेंस क्या। आज हम लोगों ने कुल 36 सिम कार्ड रिकवर किए हैं, 15 पीस मोबाइल रिकवर किया है और कई मोबाइल के खाली डब्बे हैं जिसपे नंबर्स होते हैं वो भी हम लोग देख रहे हैं। 2 CPU है, 1 पेन ड्राइव है, 4 प्रिंटर है, 1 VIP लाइट है, एयर शूटिंग गन है 2, उसके अलावा फाइल और कोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स करीब 30 हम लोगों ने सीज किए हैं, कुछ रजिस्टर्स हैं और एक ओरिजिनल जो इसका शादी का CD था वो CD भी हम लोगों ने। कोर्ट के कुछ दस्तावेज भी आपने बरामद किया है। हाँ, कोर्ट के कुछ दस्तावेज हैं, वो हर तरह के न्यायालय से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, और भी डिटेल्स में हम लोगों को देखना पड़ेगा। कुछ उसमें से उसका पर्सनल भी है, उसके ऊपर भी शायद 3-4 केसेस था, उससे भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके अलावा और भी कुछ। आज अंतिम दिन है, क्या आप रिमांड के लिए और आगे करेंगे। अभी तक हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जो जितनी भी पूछताछ हुई है उस पर हम लोगों को कुछ अनुसंधान करना भी जरूरी है, सिर्फ पूछताछ से कुछ नहीं निकलेगा। तो अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग माननीय न्यायालय से अनुरोध करके फिर और भी कहेंगे। जिस तरह SSP ने बताया कि अभी बहुत चीज जब्त किए गए हैं और अब न्यायालय से ये अनुरोध करेंगे कि और जरूरत पड़ी तो और रिमांड पर लेने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ धर्मेश सिन्हा, रांची आज तक। और इस पूरे मामले पर खुद रिकुबल उर्फ रंजीत का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। क्या क्या काम करते थे, ये बताओ। प्लांटेशन का काम देखता हूँ मैं, कौशल बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कौशल विकास संस्थान हमारी है। देखिए, अगर किसी से जान पहचान हमारी है तो पर्सनल लाइफ मेरी है, अगर मेरे साथ मेरी पत्नी अगर कोई ब्लेम लगा रही है तो ये मेरा हक है ना कि उन लोगों का। हो सकता है मैं आपका भी दोस्त हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दोषी हो जाओ। नहीं, कोर्ट का क्या जी, कोर्ट के लिए नहीं, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत। चलो प्रकाश, आप जांच कीजिए, इसकी जांच कीजिए, आप अच्छे से जांच कीजिए। बैठो गाड़ी में। पक्ष के लड़की वालों के जो पक्ष है उस लड़की के कैरेक्टर के बारे में जांच कीजिए, आपको सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी 80 साल की बूढ़ी माँ को उसको जेल भिजवा दिया, मैं देखिए कस्टडी में हूँ। देखिए रंजीत, अब मैं आरोप लग रहा धर्म परिवर्तन पर, आप इस पर क्या कहेंगे, आपने जबरन धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया था। इतने सारे सिम को आप क्या करते क्या थे, 36 सिम वहाँ मिले, 15 मोबाइल मिले हैं। ये बहुत पुराने ऐसे सिम कार्ड है जो मैं लेता था और वो बैलेंस खत्म हो गया उसका, या फिर कहीं नहीं हो पा रहा था तो BSNL ले लिया, फिर आइडिया ऐसे करके, और ये जमा हो गए। और मेरे ऑफिस के, मैं कंपनी का हूँ तो ऑफिस के कर्मचारियों को भी देना पड़ता है। कोर्ट में भी आप सेटलमेंट का